हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से द क्रिएटिव नर्सिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एमपी ग्रुप 5 के स्टाफ नर्स की एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर के। और आगे बढ़ने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हम दोस्तों जो टोटल पोस्ट जो हैं वो है 131। स्टाफ नर्स की जो टोटल पोस्ट है 131 है, जिसके अंदर की ESIC इंदौर और भोपाल कमला नेहरू हॉस्पिटल भोपाल की भी वैकेंसी है, और जेल मुख्यालय भोपाल की भी वेरियस वैकेंसीज है। इसको कुल मिलाकर के 131 वैकेंसीज हैं। और जो बेसिक सैलरी है यहाँ पर आपकी 35,000, मतलब बेसिक जो है 27,000 के आसपास है, लेकिन इन हैंड सैलरी 35,000 से प्लस आपकी रहने वाली है। और जो वैकेंसी है वो परमानेंट है, जैसा कि आप सभी को पता होगा। और इसके जो एग्ज़ाम्स है वो 25, 26, 27 और 28 चार दिन तक जो है कंडक्ट कराए गए थे। मेनली 25 को तो कम ही बच्चों के थे, लेकिन 26, 27, 28 को बहुत सारे बच्चों ने इसके एग्ज़ाम दिए हैं। तो आगे देखते हैं दोस्तों, बात करें हम मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, यानी कि कितने मार्क्स में आप क्वालिफाई कर सकते हैं, कितने मार्क्स मिनिमम चाहिए। तो अनरिजर्व्ड के लिए यहाँ पर चाहिए 50 मार्क्स, और 50 प्लस मार्क्स आपको अनरिजर्व के लिए चाहिए। और जो दूसरी जितनी भी कैटेगरी है, चाहे वो EWS है, चाहे वो SC है, चाहे वो ST है, चाहे वो OBC है, इन सभी के लिए आपको चाहिए 40 प्लस मार्क्स। ओके दोस्तों, अब बात करते हैं इसमें, इस एग्ज़ाम में अलग अलग शिफ्ट में हुआ है तो इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा। ठीक है, क्या होता है नॉर्मलाइजेशन, हम उसकी भी बात करेंगे। तो ये शिफ्ट एग्ज़ाम जो है चार दिन तक हुआ है, अलग अलग शिफ्ट में हुआ है, उसमें दो दो शिफ्ट थी, लगभग आठ शिफ्ट में लगभग आठ बार एग्ज़ाम हुआ है, तो उसमें अलग अलग बच्चों ने अलग अलग बार एग्ज़ाम दिया है। तो नॉर्मलाइजेशन होगा, यानी कि मार्क्स जो है वो एवरेज किए जाएंगे। किस तरह से होता है, एक एग्ज़ाम्पल से आप समझ सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, हम दो शिफ्ट का एग्ज़ाम्पल लेते हैं, शिफ्ट ए और शिफ्ट बी, यानी कि एक सुबह की शिफ्ट, एक शाम की शिफ्ट। यहाँ पर तो आठ शिफ्ट थी, लेकिन हम यहाँ पर दो एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर 1,000 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया और यहाँ पर भी 1,000 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, और इनके जो एवरेज मार्क्स हैं, यानी कि टोटल बच्चों के मार्क्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, उनको करेंगे तो जो एवरेज मार्क्स हैं, मान लेते हैं 50 मार्क्स हैं, और यहाँ पर जो है एवरेज मार्क्स मान लेते हैं 40 है। तो यहाँ पर एवरेज मार्क्स 50 है, मतलब पेपर जो है ईजी था। ठीक है, और यहाँ पर एवरेज मार्क्स 40 है, इसका मतलब पेपर जो है टफ था। तो नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है कि जो 40 वाले बच्चों के जो मार्क्स हैं उनको सबको जो है प्लस 10 कर लिया जाता है, और सबके जो एवरेज मार्क्स हैं 50 हो जाते हैं। तो जिन लोगों का टफ पेपर था उनको इसमें फ़ायदा रहता है डेफिनेटली। तो पेपर जो है लगभग लगभग सबके टफ ही थे, लेकिन फिर भी अगर किसी शिफ्ट में ज़्यादा टफ था तो उसमें प्लस मार्क्स होंगे, और अगर किसी शिफ्ट में इजी पेपर था तो उसमें माइनस तो नहीं होते, लेकिन वो वैसे ही रहेंगे। लेकिन जिसके कम है उसके बढ़ जाएंगे, तो वो कॉम्पिटिशन तो कहीं ना कहीं बढ़ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से नॉर्मलाइजेशन होता है, आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इसके कट ऑफ की, अनरिजर्व की अगर हम बात करें, नॉर्मलाइजेशन के बाद की बात हो रही है। ठीक है, नॉमिनेशन के बाद मार्क्स चेंज भी हो सकते हैं आपके। 62 टू 65 मार्क्स आपको चाहिए होंगे अनरिजर्व में सेलेक्ट होने के लिए। अगर आप OBC कैटेगरी से हैं तो 60 टू 64 मार्क्स आपको चाहिए होंगे, आफ्टर नॉमिनेशन बात हो रही है। देन अगर आप SC कैटेगरी में हैं तो 57 टू 59 मार्क्स आपके होंगे, तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। फिर अगर आप ST कैटेगरी में हैं तो 54 टू 56 मार्क्स आपको चाहिए होंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप EWS कैटेगरी में हैं तो उसके लिए आपको 59 टू 62 मार्क्स जो है वो चाहिए होंगे फाइनल सिलेक्शन के लिए। उसमें आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना ही, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।